नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, बस इन फूलों को अपनी छत पर लाकर सुखा दो। जी हाँ दोस्तों, ये फूल सूखते जाएंगे, आपका प्यार आपकी बाहों में आता जाएगा। ये पूरा उपाय क्या है, आपने कब इसे करना है और आपका साथी आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए ये आज का वीडियो आप आखिर तक जरूर देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आप भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। दोस्तों, आप किसी का प्यार पाने के लिए ललायित हैं, आप किसी से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं और आपको आपकी मोहब्बत मिलने का इंतजार है, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है वो आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती, तो आपके द्वारा किया गया एक तरफा प्यार किसी काम का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन एक तरफा प्यार करने वाले लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप ये छोटा सा उपाय करोगे तो आप मन चाही स्त्री का प्यार पाने में सफल हो जाओगे। हिंदू धर्म शास्त्री और महान ज्ञानी चाणक्य जी अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि आप अपने जीवन को सफल और सुखमय अगर बनाना चाहते हैं तो आपको चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारना होगा। चाणक्य जी ने जीवन शास्त्र से संबंधित हर एक पहलू का बड़ी विवेचना के साथ अध्ययन करके चाणक्य नीति में निहित किया था। वहीं भगवान श्री कृष्णा की कृष्णवाणी में भी जिक्र मिलता है कि किसी की मोहब्बत सच्चे मन से पाने वाले लोग ईश्वरीय परदत्त प्रेम प्रथा का प्रचलन कर सकते हैं और वो लोग प्रेम की राह पर चल के सच्चे दिल से मोहब्बत करके अपने साथी को अपना हम सफर चुन सकते हैं। बीच में प्यार को छोड़ने वाले और भोगने की लालसा से प्यार करने वाले नरक के भागीदार बनते हैं और उनके द्वारा किया गया हर उपाय बेकार है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार का दिन चुनना होगा और आप शनिवार की शाम आक के कुछ फूल लाने हैं। ये फूल आप 21 ला सकते हैं। 21 फूलों को लाकर आप अपनी छत पर जाएं और अकेले चढ़ें और साथ में एक लाल कपड़ा ले लें। लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इन 21 फूलों को रख दें। एक एक फूल रखते हुए आप उसका नाम बोलें जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। फिर दोस्तों, आप 21 फूल रख के और एक पोटली बना लें। लाल कपड़े की पोटली आप बनाकर इसे छत के एक कोने में रख दें जहां पर सूर्य देव की किरणें इसके ऊपर पड़ें। फिर जैसे जैसे ये फूल सूखते जाएंगे आपका प्यार आपकी ओर खींचा चला आएगा। ये आक के फूल जब पूरी तरह से सूख जाएंगे आपका प्यार आपको आपकी बाहों में मिलेगा। तो आप अगर वास्तु के अनुसार अपना प्यार पाना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से चाणक्य नीति, हिंदू धर्म शास्त्रों, वास्तु शास्त्र के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की कृष्णवाणी भी आपको देखने को मिलेगी। हमारे आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।